हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला कि एक एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन का जो थीम से आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो जिससे देख सकते हैं मैंने सेटअप जो है पूरा कर लिया। अब ये मैं आपको भी बताऊँगा जो है इसका सेटअप कैसे करना है, तो उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, हम आज के ऐप में ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मिल जाता है इसमें चेंज आइकॉन पे, क्लिक करके ओके पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आई लॉन्चर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका थोड़ा सा कुछ लोडिंग लगा, फिर अपडेट होके जो है आपका फ़ोन आईफोन का एक आइकॉन पैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारी अगली इसमें और भी कुछ अमेजिंग फीचर्स दिया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर चले जाते हैं ऐप में, आई लॉन्चर में आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉलपेपर, लॉक ऐप, हाइड एन ऐप और भी ऑप्शन जो है मिल जाता है। तो आपको वॉलपेपर इसमें आईफोन का जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं अपने मोबाइल में। अब जो है दूसरी ऐप, इसको पहले आपको नोटिफिकेशन एक्सेस कंप्लीट कर देना है, जो कि कंट्रोल सेंटर है आईफोन का। ये आपको कैसे लगाना है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे कस्टम कंट्रोल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ देर लोडिंग लेगा और फिर यहाँ कुछ सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि आप कस्टम कंट्रोल नोटिफिकेशन पैनल पे लगाना चाहते हैं। प्लस वाला आइकन पे जो क्लिक करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल पे जो है सेट हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा सेटअप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ब्लैक टाइप का जो है उस पर एक बार स्वाइप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।